हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चल रही है दैट टू फॉर द चैप्टर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। उसमें भी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर हम ये क्वेश्चन आंसर्स अभी डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट वन के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन देखे, MCQs को हमने वहाँ पर समझा, कॉन्सेप्ट क्लियर करे और हम आगे बढ़े। इसी तरीके से उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट टू के अंदर, और आज भी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को हम यहाँ पर समझेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्टाइल में, MCQ पैटर्न में, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको यहां पर क्वेश्चन आंसर्स को कैसे सॉल्व करना है और आपको थॉट प्रोसेस एग्जाम में क्या रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पर पार्ट टू वीडियो ऑन MCQs। तो दोस्तों यहाँ पर आप कंटिन्यू करिएगा आपकी स्टडी। यहाँ पर मैंने सीरीज़ भी वही की वही बना के रखी है, क्वेश्चन आंसर्स भी हम वैसे ही उसी पैटर्न में नंबर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका चैप्टर सेकंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, और ये आपका पार्ट सेकंड वीडियो है फॉर व्हाट, फॉर योर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, 7 तक हमने कवर कर लिया है पिछले वीडियो के अंदर। सो यहाँ पर थोड़ा सा हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, और इतना ज़रूरी इसलिए है कि ये क्वेश्चन अगर आप एक बार कर लेते हैं आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। सो 8th क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, द शॉर्ट रन एज इकोनॉमिस्ट यूज द फ्रेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। इनका कहना है कि द शॉर्ट रन को समझाइए आप। तो कुछ नहीं, इन्होंने फैंसी वर्ड यूज़ करके हमसे बस यही बोल रहे हैं कि शॉर्ट रन को इकोनॉमिस्ट ने कैसे समझाया है, आप तो ये बताइए। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो शॉर्ट रन में हमें पता है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन चलते हैं, लॉन्ग रन में हमको पता है कि रिटर्न टू स्केल चलता है। शॉर्ट रन में सभी फैक्टर्स में से एक फैक्टर हमेशा फिक्स्ड रहता है, वो है कैपिटल, और लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स यहाँ पर वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर शॉर्ट रन में प्रोपोर्शन में चेंजेस होते हैं, और लॉन्ग रन में यहाँ पर स्केल में एक जैसा सेम प्रोपोर्शन में सभी फैक्टर्स को चेंज किया जाता है, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में। शॉर्ट रन को देखते हैं क्या दिया है, एटलीस्ट वन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फर्म्स नीदर लीविंग नॉर एंटरिंग द इंडस्ट्री। देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया इन्होंने, ये तो उन्होंने बोल दिया एटलीस्ट वन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में हमेशा एक फिक्स्ड फैक्टर तो रहेगा ऐसे ही, और फर्म्स क्या कर रही है, ना छोड़ रही है ना एंटर कर रही है इंडस्ट्री में। ऐसा क्यों बोला गया है, तो अभी हम आगे समझेंगे कि यहाँ पर सभी ऑप्शंस में ऐसा क्यों लिखा गया है। जनरली अ पीरियड विच इज़ शॉर्टर देन वन ईयर, एक साल से छोटा का जो पीरियड होता है उसे भी हम शॉर्ट रन बोलते हैं। ओके इंटरेस्टिंग, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड नो वेरिएबल इनपुट्स, ये तो क्लियरली बाहर है क्योंकि हमको पता है कि सबके सब फिक्स्ड नहीं होते हैं। All inputs are variable and production is done in less than one year. सभी inputs variable होते हैं? नहीं, हो ही नहीं सकता क्योंकि एक तो variable होता है, ये हमको पता है, ठीक है। So यहाँ पर shorter than one year, हमेशा shorter than one year का ही period आपको लेना है कि 6 months या उससे कम का period या फिर एक साल और उससे कम का period, इसको भी short run बोला जाता है, ये आपको समझना होगा। सो हम आ जाते हैं हमारे पहले ऑप्शन पे जो बात कर रहा है एटलीस्ट वन फिक्स्ड फैक्टर प्रोडक्शन, ये बात तो सही है। फर्म्स नीदर लीविंग नॉर एंटरिंग द इंडस्ट्री, मतलब उनका कहना है कि बाकी सब फैक्टर्स में अगर हम कंपटीशन की बात करेंगे या साइज ऑफ द मार्केट की बात करेंगे तो उनको एज इट इज़ वहाँ पर ही रखा गया है। तो ना तो कोई नई फर्म आ रही है ना तो कोई पुरानी फर्म जा रही है, क्योंकि शॉर्ट रन में बहुत ही छोटा रन है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, यहाँ पर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, यहाँ पर इतनी सब चीज़ें चेंज नहीं हो रही है, आपका जो कैपिटल है वो तो फिक्स्ड ही है, राइट। कैपिटल फिक्स्ड है तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है दूसरी चीज़ें वेरिएबल्स हैं। आई थिंक ए हमारा आंसर है, यहाँ पर शॉर्ट रन को इसी तरीके से यहाँ पर कैरेक्टराइज किया गया है। तो हमारा इसी तरीके से शॉर्ट रन को यहाँ पर कैरेक्टराइज किया गया है बाय इकोनॉमिस्ट। तो देखें यस, ए इज आर आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहाँ पर देखा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। द MP AP एंड TP सबकी फुल फॉर्म आपको पता है, कर्व्स एनकाउंटर्ड बाय द फॉर्म Producing in the short run exhibit all of the following relationship except ओहो, मतलब इन्होंने बोला है कि marginal product, average product और total product के बीच में आप relationship समझाओ। अच्छा मेरा question ये है कि अगर इस question में short run ना लिखा रहता तो भी आपको समझ में आना चाहिए short run की बात चल रही है, क्योंकि इन तीनों को हम use करते हैं law of variable proportion में, और law of variable proportion कहाँ पर चलता है, short run के अंदर चलता है, ये हमको पता है क्योंकि return to scale चलता है long run के अंदर, बट इन्होंने यहाँ पर short run specify कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। relationship हमको यहाँ पर देखनी है,
किसके बीच में, इन तीनों के बीच में, बट एक्सेप्ट वर्ड जोड़ दिया, इस वर्ड पर ना ध्यान देना, अगर आपने ये छोड़ दिया ना तो आपका आंसर पूरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन में हमेशा नो या फिर एक्सेप्ट या नॉट ऐसे नेगेटिव वर्ड्स को हमेशा ध्यान रखना और पहले ही उसको अंडरलाइन कर लेना, जिससे आप उसको सेकेंड रीडिंग में मिस नहीं करेंगे। सो तीनों के बीच में रिलेशनशिप जो नहीं है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा, टीपी एमपी और एपी के बीच में। चलिए देखते हैं, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट मे बी ईदर राइजिंग और फॉलिंग। थोड़ा इजी लिख लेते हैं इसको। इनका कहना है कि जब टीपी बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एपी और एमपी के साथ में क्या होगा, मे बी ईदर राइजिंग और फॉलिंग, बढ़ सकता है और नीचे भी जा सकता है, इनका ऐसा कहना है, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ग्राफ देखेंगे उससे आंसर समझेंगे। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, व्हेन एमपी इज नेगेटिव, टीपी एंड एपी आर फॉलिंग, दोनों गिरते हुए होते हैं। चलो, तो एमपी जब नेगेटिव हो रहा है तो टीपी तो जीरो पे होता है, और एपी क्या होता है, एपी उस पॉइंट के बाद से गिरता हुआ होता है, राइट। ये बात भी सही है, ठीक तो लग रहा है, पर यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि एमपी इज नेगेटिव, टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट आर फॉलिंग, दोनों उसके बाद से गिरने लग जाते हैं। सी पॉइंट, व्हेन एपी इज एट मैक्सिमम, एपी अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया है, ठीक है, तब क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स एवरेज प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग, टोटल प्रोडक्ट उस टाइम पे बढ़ता रहता है। यस, इंक्रीजिंग रेट पर या डिमिनिशिंग रेट पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमें दिक्कत भी नहीं है उससे। एंड द लास्ट पॉइंट इज, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज एट अ मैक्सिमम, जब एमपी अपना मैक्सिमम पर आ गया है, ऊपर क्या था, एपी मैक्सिमम पे आ गया है, तो एवरेज प्रोडक्ट इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग। अच्छा, तो दोनों सेम है, यहाँ पर थर्ड वाले पॉइंट में बस आपको दिया गया है क्या कि कौन मैक्सिमम पर है, एपी मैक्सिमम पर है और यहाँ पर एमपी मैक्सिमम पर है, ठीक है, तो हमको समझना होगा कि क्या रिलेशनशिप गलत है। चलिए, सबसे पहले हम ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सो ग्राफ में आपको ये देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सो यहाँ पे ये है हमारा टीपी, ये है हमारा एमपी और ये है हमारा एपी का ग्राफ, ठीक है। नाउ इन तीनों ही सिचुएशंस में हमको समझना है, सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है हमको, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग, जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो एपी और एमपी मे बी इधर राइजिंग और फॉलिंग, क्या एमपी बढ़ भी सकता है, एपी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है जब टोटल प्रोडक्ट ऊपर की ओर जा रहा है। तो देखिए, टोटल प्रोडक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, ये जा रहा है, राइट 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 जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो एमपी ऊपर जा रहा है, यस, एपी ऊपर जा रहा है, तो पहला पॉइंट तो सही है। क्या एमपी और एपी गिर भी सकते हैं, इस पॉइंट के बाद से, इस पॉइंट के बाद से दोनों गिरना चालू हैं, बट क्या इस पॉइंट पे हमारा टीपी अभी भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पर हो रहा है, बट इंक्रीज तो हो रहा है, ये बात पक्की है, तो ये हमारा आंसर मुझे सही लग रहा है, इसमें गलत नहीं है, हमको एक्सेप्ट वाला ढूंढना है, तो ये रिलेशनशिप तो ठीक है। दूसरा, जब एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी और एपी दोनों के साथ में क्या हो रहा है, दोनों गिरना चालू हो जाते हैं, तो देखिए ये आंसर सही है, क्या जीरो पर है क्या एमपी, तो एपी गिरना चालू हो गया है और उसके बाद में टीपी भी गिरना चालू हो गया, ये बात भी सही है। तीसरा, तो इसको भी टिक कर देते हैं, एवरेज प्रोडक्ट जब मैक्सिमम पर है तो मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, एंड टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग। अच्छा, एपी जब मैक्सिमम पर है तो एपी कहाँ है, कर्व ये है, एपी कर्व जब मैक्सिमम पर है तो यहाँ पर एपी कहाँ है मैक्सिमम पे, देखिए यही पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, एपी जब मैक्सिमम पर है तो कि एमपी और एपी बराबर है, तो ये बात तो बराबर लिखी है कि दोनों बराबर पे है, राइट, बट आगे क्या लिखा है, टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग, यस टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग, टोटल प्रोडक्ट बढ़ ही रहा है ना, ऊपर की तरफ ही जा रहा है, देखिए ये, ठीक है, तो ये बात बराबर लग रही है। अगला पॉइंट देखते हैं, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज एट मैक्सिमम, एवरेज प्रोडक्ट इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग। एमपी मैक्सिमम पे कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, क्या इस पॉइंट पर एमपी और एपी बराबर है क्या, नो बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर कट है, क्योंकि वो पॉइंट तो ये है, तो हमको इसको क्रॉस करना पड़ेगा बच्चों, बराबर है, तो जैसे ही हमने इसको क्रॉस किया, हमारा आंसर क्या डी लग रहा है आपको, क्योंकि एक्सेप्ट हमसे पूछा गया था, लेट्स सी
यस डी इज आर आंसर। इस तरीके से हमने ग्राफ से समझा है पूरा, तो इससे ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट इस वीडियो में नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको इंडिविजुअल देखना है कि ये पूरा ग्राफ हमने लॉजिकली कैसे समझा है, शेड्यूल बनाया है, तो उसके लिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का हमने अलग से वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, टू इकोनॉमिस्ट द मेन डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन इज दैट। अभी हमने देखा है, ईजी है, देख लेते हैं। इन द शॉर्ट रन ऑल इनपुट्स आर फिक्स्ड, वाइल इन द लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। नो, नॉट द केस माई डियर। वाई? ऑल ऑल का तो फंडा चलता ही नहीं है सर यहाँ पे। शॉर्ट रन में सभी फिक्स नहीं होते हैं, एक ही फिक्स्ड होता है, हटाइए इसको। इन द शॉर्ट रन द फर्म वेरीज ऑल ऑफ इट्स इनपुट टू फाइंड द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। क्या शॉर्ट रन में वो सभी को, सभी ऑल लिखा है, ऑल इनपुट को वेरी कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, फिक्स्ड है ना एक तो। इन द शॉर्ट रन एटलीस्ट वन ऑफ द फर्म्स इनपुट लेवल्स इज फिक्स्ड। यस, ये थोड़ा सही लग रहा है, एक पॉइंट इन्होंने लिखा है यहाँ पर। और डी क्या है? इन द लॉन्ग रन द फर्म इज मेकिंग अ कॉन्स्ट्रेंड डिसीजन अबाउट हाउ टू यूज एग्जिस्टिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट एफिशिएंटली। और लास्ट पॉइंट क्या है? इन द लॉन्ग रन द फर्म इज मेकिंग अ कॉन्स्ट्रेंड डिसीजन अबाउट हाउ टू यूज एग्जिस्टिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट एफिशिएंटली। क्या ऐसा बात है? लॉन्ग रन में एग्जिस्टिंग को यूज कैसे करना है इफेक्टिवली, ये बात लॉन्ग रन में नहीं सिखाई जा रही है, वो तो शॉर्ट रन में देखेंगे ना। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में हम एडिशनल कैपिटल को, इक्विपमेंट को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, यहाँ तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ एग्जिस्टिंग की बात नहीं आती बच्चों, यहाँ पर बात आती है कि हम नई इक्विपमेंट या कैपिटल कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। सो आई थिंक सी इज आर आंसर। और यस, यही ब्लिंक हो रहा है, तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 10 ऑल्सो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहां पर जो क्वेश्चन आएगा बहुत ही सिंपल और अलग क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर। बस ये हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन फॉर प्रोडक्शन फंक्शन। फंक्शन की यहाँ पर डेफिनेशन आपसे पूछी जा रही है। रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड क्यू, यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्ट और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच की रिलेशनशिप है ये, या फिर ये फर्म का टोटल रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रिलेशनशिप है, या फिर ये रिलेशनशिप है क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट। ओके, एंड द फोर्थ वन इज रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एंड फर्म्स मार्जिनल सीओपी। सबसे पहली बात है ये दोस्तों, आउटपुट और इनपुट की बीच की रिलेशनशिप है। यहाँ पर देखा जाता है कि अगर आपको ये डिसाइडेड नंबर ऑफ आउटपुट चाहिए तो आपको कितने कितने अलग अलग इनपुट्स की क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी, इसके बारे में ये रिलेशनशिप है। इसलिए हमारा जो आंसर है वो सी होगा, बाकी सबको मैं यहां पर क्रॉस कर देता हूं और देखते हैं हमारा आंसर सी ही है। बहुत ही सिंपल सी बात थी, प्रोडक्शन फंक्शन में हम ऑलरेडी इक्वेशन बना चुके थे कि हम कितना यहां पर आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से हमें कितना यहां पर इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट के अंदर क्या क्या है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स है, मैन मशीन्स, या फिर हम यूँ बोले कि मैन है, मशीन्स है, या फिर कैपिटल है और टेक्नोलॉजी है एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें आपके इनपुट्स में होती है, तो इनको किस प्रपोर्शन में चेंज करना है वो सब अंदर डिसाइड किया जाता है, बट यहाँ पर इन सब की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर जो इनपुट है उनको इंडिपेंडेंट फंक्शन में बोला जाता है और आउटपुट को यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सी आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज टू, डिमिनिशिंग रिटर्न्स का ये जो लॉ है ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, ये हम सब पूछे जा रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है सर, हम तो यही भूल चुके हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, सबसे पहले ये वेरिएबल प्रपोर्शन की बात चल रही है। यस सर, ये वेरिएबल प्रपोर्शन की बात चल रही है, मतलब कि सर यहाँ पर टोटल तीन चीज़ें थी, पहले इंक्रीजिंग, दूसरा डिमिनिशिंग और तीसरा नेगेटिव, बराबर है। चलिए देखते हैं पहला क्या है। द शॉर्ट रन बट नॉट द लॉन्ग रन। ओके, द लॉन्ग रन बट नॉट द शॉर्ट रन, बोथ द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, नीदर द शॉर्ट और नॉर, ये तो मैं बाहर निकाल ही दूंगा। सर सिंपल सी बात है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स वेरिएबल प्रपोर्शन की बात है, और वेरिएबल प्रपोर्शन कहाँ पर होता है? ये सिर्फ होता है सर शॉर्ट रन के अंदर, और ये हमको बचपन से पता है। कब के बचपन से? इकोनॉमिक्स के बचपन से, राइट। सो हमारा आंसर यह ए ही होगा, दिस इज़ फॉर श्योर, और यही ब्लिंक हुआ है। इजी क्वेश्चन था, तो उनको मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जो थोड़े से टफ है जहाँ पर कॉन्सेप्ट है हम उनको समझते जा रहे हैं। ठीक है, नाउ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अकर, इन्होंने बोला है कि डिमिनिशिंग रिटर्न कब होता है? When units of variable input are added to fixed unit and total product falls. इनका कहना है कि जब TP गिरना चालू होता है,
इनका कहना है कि जब टीपी गिरना चालू होता है, क्या तब हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स चालू होता है? व्हेन यूनिट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट आर एडेड टू अ फिक्स्ड यूनिट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स, जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा गिरना चालू होता है, क्या तब हमारा ये फेज चालू होता है? व्हेन द साइज ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज्ड इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन की तो बात ही नहीं है सर, शॉर्ट रन में होता है, लॉन्ग रन में नहीं होता है ये, ठीक है। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द फिक्स्ड इनपुट इज इंक्रीज एंड द रिटर्न्स टू द वेरिएबल इनपुट फॉल्स, अरे आप जो फिक्स्ड इनपुट की क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि आप शॉर्ट रन के अंदर है, वहां पर कैपिटल फिक्स्ड होता है। तो हमारे पास में ए और बी दो ही ऑप्शन है, ठीक है सर। तो दोनों को इवेल्युएट कर लेते हैं हम सिंपल सा यहाँ पर एक बार। हाँ, अब ए क्या बोल रहा है कि जब टीपी फॉल होता है तब हमारा फेस शुरू होता है क्या? तो हमें इसको कैसे देखना होगा, छोटा सा ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। देखिए ये टीपी है, यस, ये मेरा एमपी है, यस, और ये मेरा एपी है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट के बाद से हमारा क्या स्टार्ट होता है, सेकेंड फेज शुरू होता है, ये हमको पता है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे ये हो रहा है कि इस पॉइंट के बाद में या फिर इस फेज के अंदर क्या टीपी गिरना चालू होता है, तब चालू होता है क्या? नो, टीपी अभी भी इंक्रीज तो हो रहा है, बट थोड़ा सा डिमिनिशिंग रेट पर हो रहा है, बट डिक्रीज हो रहा है ऐसी बात नहीं है। तो सर ए बाहर हो गया यहाँ पे। हाँ, फिक्स्ड इनपुट में जैसे जैसे हम वेरिएबल को ऐड करते जाते हैं, और एक पॉइंट आता है जब मेरा एमपी यहाँ पर फॉल होने लग जाता है, किस पॉइंट के बाद से, जब मेरा एमपी इज इक्वल्स टू एपी, इसके बाद में मेरा एमपी फॉल होना चालू होता है, एपी भी फॉल होना चालू होता है, और एमपी धीरे धीरे नेगेटिव में जाता है जब मेरा थर्ड फेज शुरू हो जाता है। सेकेंड फेज मेरा इस पॉइंट से शुरू हो जाता है, और यहाँ पर इसको डिमिनिश इसलिए बोला जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज तो हो रहा है, पर डिमिनिशिंग रेट पर हो रहा है, पर वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये बात आपको समझना होगा। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट फॉल्स, नो, टोटल प्रोडक्ट फॉल नहीं होता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट हो रहा है। इसीलिए हमारा आंसर ए नहीं हुआ, और हमारा आंसर यहाँ पर बी हो गया है बच्चों, क्यों? ये हमने ग्राफ से समझ लिया है, और इसका कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पर देख लिया है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, अगर आपने ग्राफ एक बार आपके यहाँ पर बॉडी में आपने एब्जॉर्ब कर लिया, तो फिर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन। ओ हो, ओके, क्या बोल रहा है ये? आपके पास में इंफॉर्मेशन दी गई है आवर्स ऑफ लेबर, ठीक है सर। तो लेबर हमको दिया गया है यहाँ पर, उससे आउटपुट कितना निकल रहा है ये हमको दिया है, और हमको दिया है एमपी, मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब सर, हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को ऐड जैसे ही मैं कर रहा हूँ, मुझे हर उस एक एडिशनल लेबर से कितना आउटपुट निकल रहा है, हर एक एडिशनल, टोटल नहीं, ठीक है। टोटल कहाँ पर है, ये रहा। तो ये मेरा टीपी हो गया, और ये मेरा एमपी हो गया, और ये मेरा नंबर ऑफ लेबर हो गया, बस यही दे रखा ना, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो, ठीक है। तो जब जीरो लेबर है तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों जीरो है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है। पहला लेबर 100 दे रहा है, तो ऑब्वियसली टोटल भी 100 ही रहेगा, राइट? आप इसको इस डायरेक्शन में पढ़िएगा। दूसरा लेबर कितनी मेहनत कर रहा है, 80 की मेहनत कर रहा है, जब उसने मेहनत करी तो 80 का आउटपुट आया। तो सर यहां पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, हमको समझ में आ गया है, हमें ये दोनों बता रहा है, बराबर है, बता देते ना। तो सर इसने 100 की मेहनत करी, इसने 80 की करी, तो सर टोटल कितना हो जाएगा, टोटल मेरा हो जाएगा 180, सिंपल सी बात है, राइट? और जब तीसरा आया तो मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया 180 टू 240। तो एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, TPN - 1। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन 240 यहां पर दे रखा है, फॉर थर्ड लेबर में बात कर रहा हूँ, राइट? ओके, और उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा यहाँ पे, TPN - 1 मतलब 2, तो 2 पे मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना था, अभी निकाला मैंने 180। ओके, जब इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 60। तो इसने 60 की मेहनत करी है, बराबर है, तो एमपी हो गया। सर आंसर तो हमने निकाल लिए, क्वेश्चन देख लेते हैं सर, इन्होंने क्वेश्चन क्या बनाया है इसमें से। पहला, वॉट इज द टोटल आउटपुट वेन 2 आवर्स ऑफ लेबर आर इम्प्लॉयड, जब 2 आवर्स ऑफ लेबर किया तो टोटल आउटपुट कितना है, तो हमने देख लिया ना पहले से कितना आ रहा था, पहले से आ रहा था 100, दूसरे से आ रहा था 80, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 180, ईजी हमने कर लिया। वॉट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड आवर ऑफ लेबर, थर्ड के लिए मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा। सो तीसरा लेबर जब आया तो उसने मार्जिनल प्रोडक्ट कितना, यानी कि उसने कितना काम किया,
तो हमने कैसे निकालेंगे, हमने निकाला था ये 240 - 180 करके, TPN - TPN - 1, तो ये हमारा आंसर कितना आया था 60, यस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 60, तो ये हो गया, ये हो गया। व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्ट, एपी हमसे पूछा जा रहा है, एपी क्या होता है, टीपीएन को जो भी हमारा क्वांटिटी है वेरिएबल इनपुट का उसे डिवाइड कर दो ना, बराबर है, तो टोटल हमारा थर्ड लेबर के यहाँ पे 3 आवर्स बोला ना उन्होंने, 3 आवर्स ऑफ लेबर, एक एक घंटा बढ़ाते जाएंगे अगर हम, तो हर एक घंटे बढ़ने पे कुछ ना कुछ हो रहा है, राइट, तो तीसरे आवर पर कितना हुआ टोटल हमारा 240, 3 आवर है तो एवरेज कितना हो गया 80, तो ये राइट, ये हमारा आंसर हो गया 80। इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं मल्टीपल एक्सरसाइज के साथ में, तो आप ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे से स्टडी करिएगा, इसलिए पैटर्न मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व इंक्लूड कर लिया है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 16 तक हमने देख लिया है, 17 क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं फटाक से। इफ अ फर्म मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑन अ प्रोडक्शन आइसोक्वांट टू अनादर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैपन। सर आइसोक्वांट क्या होता है यही समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको बता दीजिए कि आइसोक्वांट का कर्व क्या, सर ये वही है जो इंडिफरेंस कर्व होता था, यस ये वही है, इंडिफरेंस कर्व के ऊपर अलग अलग कॉम्बिनेशन होते थे किसके, दो गुड्स के जो हमको कंज्यूम करना है, तो पर वहाँ पर जितने भी कॉम्बिनेशन बना लो उन सबसे सेटिस्फेक्शन सेम मिलता था। आइसो क्वांट मतलब सर क्या होता है, आइसो मीन्स इक्वल होता है, क्वांट मतलब क्वांटिटी, तो जब मैं अलग अलग इनपुट्स की अलग अलग क्वांटिटी यहाँ पर बनाऊँगा तो सर उनसे फाइनली जो आउटपुट आएगा ना वो फिर भी सेम ही होने वाला है, राइट। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि अगर एक फर्म एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करती है आइसो क्वांट कर्व के ऊपर तो क्या नहीं होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट विल नॉट हैपन। पहला पॉइंट, अ चेंज इन द रेशियो इन विच इनपुट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस आउटपुट। चेंज इन रेशियो तो होगा ना, बिल्कुल होगा, इसलिए तो वहां पर पॉइंट चेंज हो रहा है, राइट, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि विल नॉट हैपन पूछा है हमसे। अ चेंज इन द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट, मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज होगा कि नहीं होगा यहाँ पर देखते हैं। सी ऑप्शन, अ चेंज इन द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन MRTS। सर ये बात तो सबसे तगड़ी है क्योंकि सर MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व के अंदर, मींस कितने यूनिट्स आई एम विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर एन एडिशन और वन एक्स्ट्रा एडिशन और एज नंबर ऑफ एडिशन यू वॉन्ट टू डू इन योर अदर इनपुट, तो वो मेरा MRTS हो जाता है, राइट, कैपिटल और लेबर है, तो अगर मैं लेबर को सेक्रीफाइस करते जा रहा हूँ तो कैपिटल मेरा यहाँ पर ऐड होते जा रहा है, तो ये जो मैं रेशियो निकालूंगा वो मेरा MRTS होगा, तो ठीक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो चेंज होता है, ये बात तो पक्की है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, क्या आउटपुट चेंज होगा, आउटपुट चेंज बिल्कुल भी नहीं हो सकता है दोस्तों। मैंने आपको बोला जैसे ये इंडिफरेंस कर्व होता है इसके ऊपर कितने भी मैं कॉम्बिनेशंस बना लूँ मेरा इस आईसी कर्व के ऊपर सेटिस्फेक्शन हमारा सेम रहता है, उसी तरीके से जब मैं बात करता हूँ मेरा आइसोक्वेंट कर्व की तो इस IQ1 के ऊपर मेरा हमेशा आउटपुट सेम रहेगा चाहे मैं कितने ही कॉम्बिनेशन चेंज कर लो। इन दोनों में जो कॉमन बात चलती वो ये है कि हायर द कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन इन दिस केस एंड हायर द आउटपुट इन दिस केस, एक ही कर्व के ऊपर कभी भी आउटपुट चेंज नहीं होता है। सो व्हाट विल नॉट हैपन, आउटपुट विल नॉट चेंज, ये बात पक्की है, तो हमारा आंसर डी होना चाहिए, यस डी हमारा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर सॉल्व होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है बता दीजिए, हम सच का साथ देंगे। द सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर आर कंसिडर्ड प्रोडक्शन, सही बात है, तो पहले ही मुझे सही लग रहा है, डॉक्टर जो सर्विस दे रहा है वो भी सर इंटेंजिबल प्रोडक्शन के अंदर आएगी ना, हमने स्टार्टिंग में देख लिया था टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों होता है, तो सर यही सही लग रहा है, ऑल ऑफ द अबव जब तक नहीं आएगा तो हमारा आंसर ये हो सकता है। बी, मैन कैन क्रिएट मैटर, नो सर बचपन से पढ़ रहे हैं मैटर कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है, राइट। तीसरा ऑप्शन, द सर्विस ऑफ अ हाउसवाइफ आर कंसिडर्ड प्रोडक्शन, दोस्तों पहले हमने बात करी थी यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हाउसवाइफ, द सर्विस ऑफ अ हाउसवाइफ आपकी वाइफ है या फिर आपकी मदर है, अगर वो यहाँ पर खाना बना रही है वो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन तो होगा, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स नहीं होगा क्योंकि इंटेंशन टू एक्सचेंज नहीं है, राइट, तो ये तो सेंटेंस गलत हो रहा है, ठीक है।
डी व्हेन अ मैन क्रिएट्स अ टेबल ही क्रिएट्स मैटर. नो यार, सिर्फ फॉर्म चेंज हो रहा है यहाँ पर, बराबर. उसके लिए हम उसको प्रोसेस बोलते हैं कि यहाँ पर कंफर्ट यूटिलिटी ऑफ फॉर्म हो रहा है, मैटर कभी भी क्रिएट नहीं होता है. तो सर सबसे पहला सेंटेंस ही है कि डॉक्टर्स की सर्विसेज को भी यहाँ पर प्रोडक्शन बोला जाता है, चाहे सीए लिख दीजिए, टीचर लिख दीजिए, एक्टर्स लिख दीजिए, डांसर्स लिख दीजिए, इन सब की जो सर्विसेज है वो सब यहाँ पर प्रोडक्शन बोला जाएगा, ठीक है. बट इंटेंशन टू एक्सचेंज होगा तो ही. एक पेंटर है, पेंटिंग कर रहा है घर में खुद बैठे बैठे खुद के लिए, तो प्रोडक्शन थोड़ी होगा. अगर वो इंटेंशन टू एक्सचेंज के साथ में कर रहा है तो वो उसकी सर्विसेज जो है पेंटिंग की, वो प्रोडक्शन होगा, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 18 और हमारा आंसर है ए. इसी के साथ में हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. ओहो, एंटरप्रेन्योर हमारा जो ये फैक्टर है, कौन सा नंबर ऑफ फैक्टर है एंटरप्रेन्योर? सर फोर्थ नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था. लैंड, लॉ, कैपिटल के बाद में जो आता है वो एंटरप्रेन्योर आता है, और इन तीनों को संभालने वाला इंसान कौन है? सर एंटरप्रेन्योर है, राइट. वो इन सबको किस प्रपोर्शन में यूज़ करना है और मैक्सिमम यहाँ पर हमें आउटपुट कैसे निकालना है वो कंट्रोल करता है. उसके फंक्शन सर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं सर. बिजनेस को वही स्टार्ट करता है सर, रिस्क भी वही लेता है, और सर नए नए काम भी वही करता है, इनोवेशंस भी वही लाता है. तीनों फैक्टर्स बोल दिए मैंने. आइए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शंस क्या हमारे पास में. इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज, यस सर. इनिशिएटिंग उसका एक फंक्शन तो होता है, बराबर है. रिस्क को बेयर करना भी इसका फंक्शन होता है, और इनोवेट करना भी उसका फंक्शन होता है. अब सर ऑल ऑफ द अबव अगर आएगा तो ही वो हमारा आंसर होगा, राइट. यस, ऑल ऑफ द अबव ये आ चुका है, राइट. तो ये तो तीनों एक जैसे दिख रहे थे इसलिए आपको लगा, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है. सो ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 19 ईजी था, इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 20th. In describing a given production technology, the short run is best described as lasting. इन्होंने कहा है कि अगर production technology को मैं describe करना चाहता हूँ, the short run को मैं कैसे करूँगा? Up to 6 months, up to 5 years, as long as all inputs are fixed, या फिर as long as one input is fixed. इन्होंने कहा है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात अगर चल रही है, टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, टाइम पीरियड की बात नहीं चल रही है, शॉर्ट रन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज लास्टिंग. कब तक वो लास्ट करेगा? सो टेक्नोलॉजी वर्ड इन्होंने जब डाल दिया ना, इसको इंटरेस्टिंग कर दिया. टेक्नोलॉजी से मतलब क्या है कि आप क्या यूज कर रहे हो और क्या यूज नहीं कर रहे हो, मतलब कि यहाँ पर बात आएगी इनपुट्स की, बराबर है. टाइम पीरियड की अगर बात करते तो हम 6 months और 5 months को लेते, बट यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात चल रही है प्रोडक्शन. तो यहाँ पर जब तक सभी के सभी फिक्स्ड है तो वो शॉर्ट रन थोड़ी ना हुआ. तो जब तक एक कोई भी फैक्टर फिक्स्ड है, हमेशा वो शॉर्ट रन ही रहने वाला है, ठीक है. तो ये हमारा आंसर डी ही होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 20th का. लेट्स सी, यस डी ही ब्लिंक हुआ है और वही हमारा आंसर है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 21st. इजी क्वेश्चन से आगे बढ़ते जा रहे हैं. If decreasing return to scale, बहुत टाइम बाद आया return to scale, अभी तक हम क्या करें variable proportions पढ़ रहे थे. If decreasing return to scale are present, then if all inputs are increased by 10%, then output will be, बड़ा interesting है. Formula use करते हैं यहाँ पर, चलिए देखें. Return to scale की बात चल रही है. Return to scale मतलब जितने proportion में मैं सभी inputs को increase करूँगा, उसके हिसाब से मेरा जो output है वो कितने percent में change होगा. इंक्रीज तो होगा, ये बात पक्की है, राइट. इनपुट जब मैं इंक्रीज करता हूँ तो मेरा आउटपुट भी इंक्रीज होता है, श्योर शॉट है. बट कितने प्रपोर्शन से करता है वो डिसाइड करेगा कि वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, डिक्रीजिंग है, या फिर वो कांस्टेंट है. अगर मैंने 100% से मेरे इनपुट को इंक्रीज किया और मेरा आउटपुट भी 100% से हुआ तो ये हो जाएगा कांस्टेंट. अगर मैंने 100% से मेरे इनपुट को इंक्रीज किया और मेरा आउटपुट 200% से इंक्रीज हो गया तो ये हो जाएगा इंक्रीज, राइट. मैंने यहाँ पर 100% से इंक्रीज करा, वो भाई साहब डबल रेट से इंक्रीज हो गए, तो इंक्रीज ही हो गया ना. जब मैंने मेरे इनपुट्स को 100% से इंक्रीज किया, मेरा आउटपुट सिर्फ 80% ही बढ़ा. अच्छा, तीनों में बढ़ तो रहा है सर, ये बात समझ में आ गई हमको कि आउटपुट इंक्रीज तो होगा बट सर डिक्रीजिंग रेट पर होगा, ठीक है. तो ये फॉर्मूले के हिसाब से हमारा कॉन्सेप्ट हो गया. ये हमसे क्या बोल रहा है? If all inputs are increased by 10%, then output will be. तो ये क्या बोल रहा है? हम 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ 10 कर दो, यहाँ 10 कर दो और यहाँ 10 कर दो, ठीक है. हमारा केस क्या है? ये डिक्रीजिंग वाला है. तो ये केस नहीं है, ये भी केस नहीं है, हमारा केस ये है. मतलब सर एक बात पक्की है, जो भी आंसर आएगा वो 10% से नीचे होना चाहिए, तभी उसको डिक्रीजिंग बोलेंगे. आइए देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन है. आउटपुट
10% से इंक्रीज होगा, अगर 10% से इंक्रीज होगा तो उसे कांस्टेंट बोल देंगे, तो ये आंसर नहीं है। डिक्रीज होगा क्या 10% से? डिक्रीज कभी भी नहीं होगा, आपने देख लिया हमेशा इंक्रीज ही होता है। सर इंक्रीज होगा बट 10% से कम से होगा। यस ये सर सही लग रहा है, डी ऑप्शन तसल्ली के लिए देख लेते हैं। इंक्रीज बाय मोर देन 10%, मोर देन 10% से इंक्रीज हो जाएगा ना तो सर वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, राइट। तो सी हमारा यहाँ पर आंसर है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट के साथ में समझ में आया होगा और वही आंसर यहाँ पर ब्लिंक भी हुआ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 22, और ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड इनपुट, बहुत सारे हैं उनका रिलेशनशिप अगर मैं किससे क्रिएट करूंगा कि प्रोडक्शन फंक्शन होगा, आउटपुट से ना, सीधी सी बात है। क्या ऑप्शन है? अनदर कॉम्बिनेशन दैट यील्ड्स द सेम आउटपुट, द हाईएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट, द इंक्रीज इन आउटपुट जनरेटेड बाय वन यूनिट इंक्रीज इन वन आउटपुट, ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट दैट कैन बी जनरेटेड बाय दोज इनपुट्स। सर आउटपुट तो आपने बोल दिया, आपने ये नहीं बताया सर इतने आउटपुट के तरीके भी हो सकते हैं। ये हमसे बोल रहा है प्रोडक्शन फंक्शन की रिलेशनशिप है बिटवीन अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, मतलब मैंने लेबर और कैपिटल दो इनपुट है, लेबर है 12, 6, 2, कैपिटल कितना होता जा रहा था 2, 4, 6। सर ये तीन कॉम्बिनेशन है, इन तीन कॉम्बिनेशन से मैं क्या देखना चाह रहा हूँ कि मेरा बेस्ट आउटपुट कितना निकलेगा, बराबर है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या बोल रहा है, ये सिर्फ बेस्ट की बात करेगा ये, या फिर सारे लेवल ऑफ आउटपुट मुझे बताएगा ये। अनदर कॉम्बिनेशन दैट यील्ड्स द सेम आउटपुट, नहीं सिर्फ इनपुट से इनपुट का रिलेशनशिप नहीं है, इनपुट से आउटपुट का रिलेशनशिप है, इसको बाहर करो। हाईएस्ट की बात करेगा सिर्फ कि बाकी सब की बात करेगा वो, द इंक्रीज इन आउटपुट जनरेटेड बाय वन यूनिट इंक्रीज इन वन आउटपुट। अगर मैं एक एक वन बाय वन देखूंगा तो मुझे रियल चेक मिलेगा ना आउटपुट कितना इंक्रीज हो रहा है। ओके इंटरेस्टिंग, सी भी है अच्छा, बी भी है अच्छा, बी को थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है किसे हाईएस्ट की बात कर रहा है। डी बोल रहा है कि ऑल लेवल ऑफ आउटपुट्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय दोज इनपुट्स, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ में अलग अलग कितने आउटपुट्स निकल सकते हैं उन सब की बात कौन करेगा, प्रोडक्शन फंक्शन करेगा। बट सर यहाँ पे हमें बात क्या करनी है कि अनदर कॉम्बिनेशन मतलब ए तो बाहर हो गया, सर कंफ्यूजन हमको ये हो रहा है कि डी में ऑल लेवल ऑफ आउटपुट बोला है और यहाँ पर हाईएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट बोला है, तो सर हमारा यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन बनाने के पीछे रीजन क्या था और हमारा मकसद क्या है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट हमको आउटपुट मिलेगा वो कॉम्बिनेशन हमको ढूंढ के निकालना है, बराबर है। तो हर प्रोडक्शन फंक्शन में आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, मतलब वन आउटपुट लेट से कैसे बनेगा, 100 आउटपुट यहाँ पर निकला है राइट, फंक्शन यानी कि मेरे इनपुट्स कितने निकले हैं, तो लेबर लैंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर लेट से चार हैं, तो मैंने कितना यूज़ किया, लैंड को मैंने यूज़ किया 50, इसको यूज़ किया 100, कैपिटल यूज़ किया 1 और एंटरप्रेन्योर यूज़ किया 1, तो इससे मेरा कितना आया, मेरा आउटपुट आया 100। मतलब कॉम्बिनेशन तो आपने एक ही यूज़ किया ना, अलग कॉम्बिनेशन फिर लाएंगे आप नेक्स्ट, फिर अलग इक्वेशन बनेगी, फिर अलग इक्वेशन बनेगी, मतलब एक प्रोडक्शन फंक्शन तो हाईएस्ट के बारे में बात करेगा कि इतने सब प्रपोर्शन को मैं जब ऐड करूँगा इस प्रपोर्शन में सभी इनपुट्स को तो मुझे हाईएस्ट आउटपुट इतना ही मिलने वाला, बराबर है राइट। तो हमारा आंसर यहां पर बी होना चाहिए। लेट्स सी हमारा आंसर बी है क्या, यस बी ही ब्लिंक हुआ है एंड दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 22। सो दोस्तों इस तरीके से टोटल 22 क्वेश्चन हमने अभी तक इन पार्ट टू दो वीडियोस में हमने कवर कर ली हैं, पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे और रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा। अगर हो रहा है और आपको मज़ा आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट थ्री भी जरूर देखिएगा, आपका पूरा यहाँ पर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कवर हो जाएगा। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो ई केड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, थैंक यू।